चुनाव के नतीजों पर महाकवरेज देखिए आशीष कपूर के साथ 23 मई को सुबह 7 बजे से केवल द अर्थ न्यूज पर। लोकसभा चुनाव के नतीजों से पहले आए अलग अलग टीवी चैनलों और एजेंसियों के एग्जिट पोल्स ने तो बीजेपी के नारे आएगा तो मोदी ही पर अपनी मोहर लगा दी। लगभग सभी एग्जिट पोल्स ने एनडीए के स्पष्ट बहुमत वाले बयान के बाद विपक्ष के नेताओं में ममता बनर्जी से लेकर मायावती तक और अखिलेश यादव से लेकर चंद्रबाबू नायडू तक सभी ने प्रतिक्रिया दी है। वहीं 2 दिन बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने एग्जिट पोल्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अगले 24 घंटे महत्वपूर्ण हैं, सतर्क और चौकन्ना रहें। आप सत्य के लिए लड़ रहे हैं, फर्जी एग्जिट पोल्स के दुष्प्रचार से निराश ना हो, खुद पे और कांग्रेस पार्टी पर विश्वास रखें। 23 मई को भारत में 17वीं लोकसभा के नतीजे आने वाले हैं। इन नतीजों का जितना भारत के लोगों को इंतजार है उससे कहीं ज्यादा बेचैन इस समय पड़ोसी देश नापाक पाकिस्तान है। लाहौर के टीवी चैनल्स पर बहस के दौरान एक गेस्ट ने कहा कि मोदी नहीं आना चाहिए, उसने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। कईयों ने कहा कि मोदी को वापस आना चाहिए ताकि पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी डीमोरलाइज हो सकें और आतंकी संगठनों का खात्मा हो। भारत में मौजूद चीनी राजदूत लियू झांगयुई ने भारत और चीन के बीच जून 2017 में हुई डोकलाम विवाद पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, दो महान पड़ोसी देशों के बीच कुछ गलत हो रहा है, ये स्वाभाविक है। ठीक उसी तरह जिस तरह एक छत के नीचे रहने वाले एक ही परिवार के दो भाइयों के बीच विवाद हो जाता है, ये स्वाभाविक है। एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट क्रू मेंबर और स्टाफ ने एक उड़ान के दौरान कुछ ऐसा काम किया कि इंटरनेट में चारों ओर वाहवाही हो रही है। दरअसल पत्रकार रिफ्त जावेद गोरखपुर से दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने ट्विटर पर लिखा, जब मैं एयर इंडिया एयरलाइंस की फ्लाइट से गोरखपुर से दिल्ली जा रहा था, इफ्तार का समय करीब आ रहा था, तो मैं कैबिन क्रू मेंबर मंजुला के पास गया और पानी मांगा। उन्होंने मुझे बोतल दी। मैंने कहा, रोजा है, तो उन्होंने कहा, आप सीट पर जाइए। कुछ देर बाद दो सैंडविच लेकर आई और पानी की बोतल और बोली, जो चाहिए बेझिझक मांगिएगा। इससे भी ज्यादा उनका व्यवहार अच्छा था। ये मेरा भारत है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर माइकल स्लेटर को फ्लाइट से उतार दिया गया। स्लेटर ने फ्लाइट में दो महिलाओं के साथ बदसलूकी की, जिनकी वजह से उन्हें फ्लाइट से बाहर कर दिया गया। इस पूरे विवाद की वजह से फ्लाइट की उड़ान में 30 मिनट की देरी भी हुई। कुलगाम के गोपालपुरा गांव में कल देर रात से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है, जिसमें 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर है। मुठभेड़ में 34 राष्ट्रीय राइफल और एसओजी के जवान संयुक्त रूप से जुटे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने श्रीहरिकोटा से पीएसएलवी C-46 से RESET-2B लॉन्च कर दिया है। इसरो के मुताबिक पीएसएलवी रॉकेट ने रीसेट बी को लेकर सुबह 5:27 पर उड़ान भरी। सैटेलाइट के सफल लॉन्च होने के बाद भारत की सुरक्षा और अधिक मजबूत हो जाएगी। इस उपग्रह का भार 615 किलोग्राम है और इसे प्रक्षेपण के करीब 15 मिनट बाद पृथ्वी की निचली कक्षा में छोड़ा गया। ये सैटेलाइट खुफिया निगरानी, कृषि, वन और आपदा प्रबंधन सहयोग जैसे क्षेत्रों में मदद करेगा। 30 मई से इंग्लैंड और वेल्स में शुरू हो रहे विश्व कप के प्रबल दावेदारों में गिनी जा रही भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2019 के लिए कल देर रात इंग्लैंड रवाना हो गई। बतौर कप्तान विराट कोहली पहली बार विश्व कप में भारत की कप्तानी करेंगे। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर लगाई गई पाबंदी 27 मई से समाप्त कर दी जाएगी। 26 मई को आखिरी बार उधमपुर श्रीनगर हाईवे पर पाबंदी रहेगी। ये फैसला मंगलवार को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किया। श्री अमरनाथ जी यात्रा की तैयारियों के संबंध में सभी सुरक्षा एजेंसियों, नागरिक और पुलिस प्रशासन के साथ मंगलवार को विस्तृत समीक्षा के बाद राज्यपाल ने निर्देश दिया कि 27 मई से नागरिक आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।
राज्यपाल ने राज्य के लोगों के हित में आवश्यक उपायों के साथ सहयोग करने और लोगों के कल्याण के लिए धन्यवाद भी दिया। अंडमान में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए हैं। भूकंप बीती रात 12:30 बजे आया। रिक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 5.6 आंकी गई है। अभी जानमाल के कोई नुकसान की खबर नहीं है। कुछ समय से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्र में भूकंप के काफी झटके महसूस किए जा रहे हैं। सोमवार को निकोबार द्वीप समूह में भी भूकंप के झटके महसूस किए, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.5 मापी गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के गाजीपुर तक 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की मुख्य सड़क का निर्माण अगस्त 2020 तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के लिए जमीन अधिग्रहण जल्द कर इसी वर्ष अगस्त तक शिलान्यास कराने को कहा है। चुनाव के नतीजों पर महाकवरेज देखिए आशीष कपूर के साथ 23 मई को सुबह 7 बजे से केवल द अर्थ न्यूज पर।